नमस्कार, स्वागत का न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में अर्पिता चटर्जी की मुश्किलें और बढ़ती हुई जा रही हैं। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक बार फिर उसके बैलघरिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा है, जिसमें बड़ा कैश बरामद किया गया है। बुधवार को ही छापेमारी में अब तक 20 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और जांच एजेंसी अभी भी कैश की गिनती कर रही है। यह रकम अभी और बढ़ सकती है। 3 मशीनों से कैश की गिनती की जा रही है। अर्पिता के घर से बरामद कैश को गिनने के लिए 3 मशीनें लगाई गई और इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के सेल्फ से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ है और कुल मिलाकर के अब तक 41 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 3 घंटे की पूछताछ करी है। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने सोनिया से पूछा कि यंग इंडिया के लेनदेन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके घर 10 जनपद पर हुई। मंगलवार को भी जब ईडी ने उनसे कंपनियों को लेनदेन के बारे में सवाल किया तो सोनिया ने जवाब दिया, कांग्रेस एसोसिएट जर्नल और यंग इंडिया से जुड़े सभी लेनदेन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखते थे। यंग इंडिया लिमिटेड संसद के क्षेत्र में काम करती है। लेनदेन से जुड़ी कितनी बैठकें आपकी आवाज 10 जनपद पर हुई और लेनदेन के बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके शेयर कितनी तरह बिके हैं, कांग्रेस अध्यक्ष से ये अहम सवाल किए गए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटर की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई थी। प्रवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे और प्रवीण ने 29 जुलाई को राजस्थान में मारे गए कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा जनेन्द्रा ने CM बसवराज बोम्मोई से मुलाकात करी। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हरा करके सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप करने में सफलता हाथ लगी है। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर के 225 रन बनाए थे। शुभमन गिल 98 रन बनाकर के नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और भारतीय पारी को वहीं समाप्त कर दिया गया। वेस्टइंडीज को डकवर्थ लेविस नियम के तहत 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला, लेकिन कैरेबियाई टीम 26 ओवर में 137 रन के स्कोर पर सिमट गई। ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन ने 42-42 रन बनाए। लेग स्पिनर राजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और ने 2-2 विकेट लिए तो वहीं अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 सफलता मिली। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।